सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कुछ आप लोगों से पता है कि यहाँ पर से ओबी का अपडेट था हम लोगों का, और ओबी के अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर बहुत सारा जो इवेंट्स है वो आप लोगों को देखने में लगा है। नेक्स्ट डायमंड रॉयल, नेक्स्ट वेपन रॉयल, नेक्स्ट इनक्यूबेटर क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे भाई कि नेक्स्ट अपडेट हम लोगों का कौन सा आने वाला है, और हम लोगों का नेक्स्ट अपडेट में क्या क्या न्यू चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी गेम के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें मेरे भाई चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। एंड कुछ आइटम आपको दिखा दूँ यहाँ पर से जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द गेम के अंदर। तो सिंपल यहाँ पर से अगर आप आते हैं भाई, ये जो हम लोग का रेड रोबो स्टार बंडल है जो कि मनी हिस्ट का बंडल जो न्यू वाला है भाई, ओल्ड वाला तो था पिछले साल का अलग था, बट ये न्यू वाला यहाँ पर से आप देख पर कुछ इस टाइप का आप लोग देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट में आप देख पर यहाँ पर से कुछ गोल्ड टोकन मिलता है हिस्ट गोल्ड, जो कि स्पेशल इवेंट के लिए आप लोगों को रिक्वायरमेंट किया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई कि वो टोकन जो कैसा दिखता है। यहाँ पर सिंपली अगर आप देख पाए मैं आपको दिखा दूँ किधर है भाई, ये आप देख पा रहे हैं गोल्ड टोकन, ठीक है, इसका नाम है गोल्ड हिस्ट। तो ये टोकन जब एक्सक्लूसिव यहाँ पर से इवेंट आएगा उसमें हम लोग ये गोल्ड टोकन का यूज होगा। तो ये गोल्ड टोकन जो यूज होगा भाई, इसमें हम लोग को एक रेयर से रेयर इवेंट मिलेगा जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इस गोल्ड की वजह से ही हम लोग को वो आइटम जो है देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाई मनी हिस्ट का यहाँ पर से इवेंट जो बहुत ही जल्द आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो भाई, इंतजार कर लो आप लोग यहाँ पर से बहुत ही जल्द मनी हिस्ट का जो फुल कैलेंडर है वो आप लोगों को गेम के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाएगी। एंड मेरे भाई नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं मस्त वाला यहाँ पर इनक्यूबेटर जो कि आपको नेक्स्ट इनक्यूबेटर में देखने के लिए मिल जाएगी। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम सिंपली क्लिक करते हैं यहाँ पर से एंटर पे। एंड गाइस इंटर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर से टोटल बंडल दिखाते हैं। तो ये मेल वाला बंडल जो कि यहाँ पर से टॉप में है भाई, बहुत ही शानदार टाइप का दिखता है। एंड नेक्स्ट में फीमेल वाला भाई आपको दिखाएंगे वो भी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट में मेल वाला, एक यहाँ पर से ये वाला, दूसरा यहाँ पर से ये वाला, यानी कि टॉप पे ये है, सेकेंड पे ये है, एंड थर्ड पे आप देख पा रहे यहाँ पर से ये, एंड फोर्थ नंबर पे यहाँ पर सब कुछ देख पा रहे यहाँ पर से ये। तो भाई ये फीमेल का नहीं दिया भाई एक भी, ये तो टोटल मेल का ही दिया क्या भाई, भाई भाई गजब भाई बंडल तो बहुत ही शानदार दिखता है भाई, मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है भाई। अभी तक मेरे को एक चीज़ समझ में आया इसमें कि इसमें जो बंडल दिख रहा है भाई, ये बंडल मतलब होता था ना इतना देर पहले किसी बंडल जो सेम दिखता था, थोड़ा बहुत चेंजेस करता था, किसी में कलर अच्छा देता था तो उसका जो कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन था वो बेकार देता था, किसी में कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन अगर अच्छा देता उसमें जो कलर है वो अच्छा नहीं देता। बट इसमें आपको दोनों चीज़ बहुत ही शानदार मिलता है, बंडल भी बहुत ही शानदार है, और साथ हेयर स्टाइल भी इसका बहुत ही ऑसम लुक यहाँ पर सबको देता है। ऊपर का अगर आप यहाँ पर इसका टॉप लगाते हो भाई, नीचे में पैंट का कॉम्बिनेशन अगर आप गजब का करते हो तो बहुत ही शानदार यहाँ पर सबको दिखेगा। एंड गाइस मेरे को ये वाला बंडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सिंपली अगर बात कर लें कम डायमंड पे, अगर आपको कम बजट पे चाहिए तो ये वाला बंडल मेरे को बहुत ही सही लगता है, ये वाला बंडल भी, और ये वाला बंडल सही है वाइट टाइप के यहाँ पर से मिलता है ये वाला भी। बाद में कि ये तो टॉप में है तो इसका बात ही कुछ अलग होगा, ये भी सही है, लेकिन ये वाला बंडल अगर आप निकालना चाहते हो मीडियम में भाई, तो मीडियम में ये वाला बंडल बहुत ही शानदार दिखता है। एंड आपको कौन सा बंडल इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा टॉप वाले को छोड़ के कमेंट्स बॉक्स में वो जरूर से जरूर बता देना। एंड नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से डायमंड रॉयल, तो हो सकता है भाई कि नेक्स्ट डायमंड रॉयल पर आपको ये वाला बंडल देखने के लिए मिल सकता है। तो बंडल बहुत सही लगता है भाई यहाँ पर सब देख पर कुछ इस टाइप का बंडल मिलता है, क्योंकि बंडल थोड़ा सा यहाँ पर से यूनिक दिखता है यहाँ पर से, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सही दमदार टाइप के यहाँ पर से आप लोग देखने के लिए मिलता है। तो ये भी यहाँ पर से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड जो हम लोग गोल्ड रॉयल में दिया ये भी बंडल बहुत अच्छा है, बाद बाकी डायमंड रॉयल का बंडल, ये बंडल आपको कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना मेरे भाई। एंड मेरे भी नेक्स्ट में एक और बंडल मिल रहा है जो बताया जा रहा है, ये भी आपको हो सकता है कि इनक्यूबेटर पर सॉरी मतलब डायमंड रॉयल पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये बंडल बहुत ही सही लग रहा है देखने में। मेरे ख्याल से वो वाला बंडल जो भाई उससे कहीं ज़्यादा ये वाला बंडल अच्छा है, तो अगर ये वाला बंडल डायमंड रॉयल पे दे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो वाला जो बंडल है कुछ अलग टाइप से दिखता है, बट ये वाला बंडल जो है बिल्कुल यहाँ पर से यूनिक टाइप से दिखता है। एंड आपको ये वाला बंडल जो है कैसा देख कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड ये वाला बंडल आपको अच्छा लगा ज़्यादा या फिर वो वाला बंडल आपको ज़्यादा अच्छा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना भाई। बट मेरे ख्याल से आपको ये वाला बंडल ही नेक्स्ट डायमंड रॉयल पर देखने के लिए मिल सकता है।
एंड में मैंने हिस्ट का जो नेक्स्ट वाला बंडल न्यू वाला बंडल जो मैंने आप लोगों को एक फीमेल वाला दिखाया, तो मेल वाला आप देख पर कुछ स्टेप्स आप लोगों को देखने मिलते हैं, मेल वाला आउटफिट्स एंड इमोट्स वगैरह भी कुछ आप लोगों को यहाँ पर से यूनिक देखने के लिए मिलेगा। तो सही बंडल है भाई, मेल वाला बंडल जो न्यू वाला होने वाला बहुत ही सही है। एंड मैंने आप लोगों को जो फीमेल वाला बंडल आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया वहाँ पर से सेक्शन वाइज से, तो यहाँ पर सब नेक्स्ट में देख पा रहे फीमेल वाला सेक्शन जो कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पर से मनी वाला जो गन है वो मस्ती से यहाँ पर से फीमेल आउटफिट में यहाँ पर से यूज हो रहा है। एंड मैंने नेक्स्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे जो हम लोगों का मनी हिस्ट का जो वोल्ट होगा भाई, यानी कि जो पिछले बार हम लोग को यहाँ पर आया था टाइमिंग दिया था उस टाइप का यहाँ पर से मिलता है आपको। यहाँ पर सब देखो प्लान बरमुडा, इसमें आपको एक इवेंट मिलता है जो कि बहुत ही शानदार इवेंट है। एंड इसमें आपको जो कुछ यूनिक आइटम जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड में आप देख पर आपको बॉक्स वगैरह को भी यहाँ पर सबको देखने को मिलता है। एंड लिमिटेड टाइम स्पेशल इवेंट, ये आपको इवेंट जो है लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल होगा और इसके लिए आपको टोकन जो है गेम के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको टोकन को कलेक्ट करने के बाद इस मशीन में आपको डालना पड़ेगा जहाँ पर इसमें जो आपको टाइमिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसको टाइमिंग के हिसाब से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको राइट साइड में जो बॉक्स मिलता है टोटल में यहाँ पर 5 बॉक्स, तो 150 होने पे आपको यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर आइटम है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से बैकपैक मिलता है आपको 2 बैकपैक एंड बिल लग चाहो बल यहाँ पर से आपको मिलता है एक डेड बॉक्स जो कि यूनिक सा दिखता है भाई, बिल्कुल यहाँ पर से मतलब पब्लिक पहचान ही नहीं पाएगा भाई कि ये आपको जो डेड बॉक्स है, बट यहाँ पर जो भी है बहुत ही शानदार दिखता है यहाँ पर से। एंड ये डेड बॉक्स आपको ये कैसा दिखा है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। एंड नेक्स्ट चीज़ की अगर बात कर ले एंड मेरे नेक्स्ट में आपको मिलता है यहाँ पर से उड़ंग पड़ंग यानी कि उड़ पकड़ गन की स्किन एंड वेक्टर की स्किन, उसके साथ ही साथ देखो पैन का स्किन एंड ग्लूबल की स्किन भाई बिल्कुल अलग टाइप से दिखता है भाई। एंड पैन की स्किन की बात करें तो वो बिल्कुल अलग टाइप से दिखता है, बिल्कुल मनी मनी यहाँ पर दिखता है। पिछले बार सिर्फ हम लोग का सर्फ बोर्ड आया था बट पैन की स्किन जो हम लोग यहाँ पर से इस टाइप का देखने के लिए नहीं मिला था, बट इस बार जो पैन की स्किन है आप लोगों की यूनिक देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ जो ग्लूबल की स्किन है वो भी आप लोगों के यहाँ पर से यूनिक देखने के लिए मिल जाएगी। एंड आपको यहाँ पर से पैन का स्किन एंड ग्लूबल की स्किन आपको कैसा दिखा भाई कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर बता देना मेरे भाई। एंड मेरे भाई बैकग्राउंड में अगर आप देख पा रहे हो भाई तो आपको दिख रहा होगा एक गन की स्किन जो कि बिल्कुल लग रहा है ऐसा देखने में लग रहा है कि ये इवोगन का स्किन है, बट गाइस ये इवोगन का स्किन नहीं, ये हमारे यूएमपी की स्किन है, सॉरी यूएमपी नहीं MP5 की स्किन है जो आपको नेक्स्ट आपको वेपन वर्ल्ड पे देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर से बिल्कुल लेजेंडरी लुकिंग यहाँ पर से यूनिक होने वाला है, यानी कि पब्लिक अगर देखेगा इस चीज़ की स्किन को तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही बात सेट आएगा, वाह भाई क्या गजब है। लेकिन उससे पहले ध्यान पे आएगा उसका भाई कि ये तो गाइस 100% यार ये तो इवोगन है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये इवोगन नहीं है, ये सिंपल सा गन है MP5 है, इसमें आपको इवो का कोई भी लक्षण नहीं मिलता है, सिंपल है इसका जो इफेक्ट है वो इवो का मिलता है। बाद बाकी इसका गेम प्ले अगर आप करते हो या फिर कुछ भी करते हो भाई तो इसमें आपको इवो का जो इफेक्ट है कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल है आपको यहाँ पर ना इमोट मिलेगा और ना ही आप बंदे को मारेंगे तो आपको बंदे के सामने ना आपको बंदे में जो इफेक्ट है वो भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर से, क्योंकि ये जो नूबी है सिंपली कन्या जो है भाई कन्या ढूंढ रही है बंदे और बंदे मारेगी ये कन्या, फिर आप इसका इफेक्ट जो है देख लेना कि बंदे का जो इफेक्ट है कैसा पड़ता है, तभी आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। तो सिंपली आप देखो भाई ये फायर पड़ा, ठीक है सामने बंदा फायर कर रहा है, तो ये देखना भाई फायर पड़ेगा तो इसमें इवो का जो कोई भी इफेक्ट है लक्षण जो है आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखना भी ये सिंपल देखो यहाँ पर से ब्लैक जो कि यहाँ पर से जो सिंपल इफेक्ट है वो आपको मिलता है, इवो का रहता भाई तो इसमें कुछ अलग इवेंट अलग आपको यहाँ पर से मिलता है। एंड जो बंदे मरा तो उसमें आपको उसका साइनिंग था, जो बंदे का जो मरने का डेथ का जो यहाँ पर से इफेक्ट था वो आप लोगों के यूनिक देखने के लिए मिल जाता है। आफ्टर ऑल आप लोगों के माइंड में एक बात चल रहा होगा कि भाई यहाँ पर से देखने के लिए मिल रहा है इसका एट्रीब्यूट कुछ क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है लेकिन क्या लिखा हुआ है आप लोग माइंड में नहीं आता होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे यार MG मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया भाई लेकिन ये बोल नहीं रहा भाई कि इसका एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंपल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डबल रेट ऑफ फायर आपको मिलेगा इसमें और आर्मर पेंट्रेशन आपको मिल जाएगा एंड रीलोड स्पीड जो है आपको यहाँ पर से माइनस मिल जाएगा। तो डबल रेट ऑफ फायर की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये MP5 जो है ऑलरेडी इसमें आप लोगों को जो है रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है, तो डबल रेट ऑफ फायर वाला गन आई थिंक मेरे को लगता है ऑलरेडी यहाँ पर गेम के अंदर जो है पड़ा हुआ है। बात बाकी ये स्क्रीन आप लोगों को कैसा देखा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना से बताना था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।